मेरे को यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे खा खा के काम चला लूंगा। टीवी का केबल निकाल के फिर। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 9:57 और मैं आ गया हूँ बाहर। मैं सोचा घूम के आ जाता, तो बैठने से क्या मतलब। आप लोगों को दिखाई देता हूँ मलेशिया। ये कोई वॉकिंग स्ट्रीट है, देखो ये यहाँ पे बाइक ऐसी होती है। कितना टेंटर वाला शानदार मस्त। वो 2 बजे से पहले मेरे को रूम देंगे नहीं। डिफरेंट काइंड के मोबाइल कवर है, खरीदना नहीं है, मैं बस प्राइस का पता करूंगा क्या रेट तक मिल जाता है यहाँ पे। इंडिया से कुछ सारे लोग दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। गॉगल देखता हूँ। हेलो, विच वन इज गुड फॉर मी? गुड फॉर डिफरेंट। अच्छा, आप हिंदी जानते हैं? कहाँ से आप? बांग्लादेश। बांग्लादेश से आप? अरे वाह, बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई हुआ। मैं भारत से हूँ। ये लेडीज का नहीं लग रहा है क्या? ये कितने का? हैंडसम लग रहा हूँ यार मैं, इतना सुंदर क्यों हूँ? अरे नहीं लगेगा, हैंडसम लगेगा। मेरे को यार कोई समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे ऑप्शन दे दिए आपने फिर भी नहीं आ रहा समझ में। नहीं, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। क्या नाम है आपका? नवगुल हुसैन। इंडिया हो तो याद करना मेरे को, ठीक है? ठीक है। आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? 5 साल हो गए आप यहाँ पे हो? मैं यहीं पे रुका हूँ पास में। हाँ जी, तो मैं अभी 7 में आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ ये खा लेता हूँ। 4 रुपए में चल रही है यहाँ पे, 4 रुपए। तो ये एक ले लेता हूँ और एक पानी की बोतल ले लेता हूँ, एयर मिनरल। तो 2 चीज़ लेता हूँ, अपनी भूख मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, ये 24 आवर स्टार्ट रहेगा, जब भी कुछ भी खाना पीना हो तो मैं सामने आ जाया करूँगा। मेरा होटल जस्ट सामने ही इसके, तो खाने पीने की समस्या सॉल्व हो गई है। मैं ऐसे खा खा के काम चला लूँगा। अभी ये है ना, पैकेट खुलेगा, इसके अंदर गर्म पानी जाएगा, 5 मिनट पैक करके रखूँगा और फिर वहाँ पे बैर बैठ के मैं इसको खा लूँगा आराम से। तो बिलिंग करवाता हूँ और खाता हूँ इसको। तो ये रही अपनी मैगी। 19-20 का ही तो फर्क है बस, 19-20 का फर्क है इसमें, उसमें 19 लाख का फर्क है। गर्म पानी मैंने डाल दिया है, 2 मिनट इसको रखूंगा मैं। टाइम हो गया 10:25, मैं 7-11 के बाहर ही बैठा हूँ। वो जो सामने रहिएगा तो इसमें अपन रुकेंगे, रुके नहीं है। 2 बजे चेक इन का टाइम बोला है, 2 बजे जाएंगे उसके अंदर। फिलहाल अभी यहाँ पे मैं सामने बैठ के कुछ खाना पीना करूँगा और मैं पानी का बोतल अंदर ही भूल गया, उसको लेके आता हूँ। 5.8 पैसे लगे। मैं मतलब ऐसे जो रुपये बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ की लोकल करेंसी है ना, ना कि इंडियन रुपीज़। मैं टोटल इतना दिया पानी की बोतल का और ये, तो आप लोग ये सब काउंट करते रहना। वैसे मैं ये सब टाइटल भी डाल दूंगा इनका, अमाउंट प्राइस वाला। पता, मैं कहीं के कन्फ्यूज होता हूँ यार, ये इतने रुपए बोल रहा है तो मतलब इंडियन रुपीज़ में कितना होगा, कैलकुलेट नहीं कर पाता उस टाइम भी। तो चश्मे ले रहा था ना उस टाइम भी, मेरे को यही लगा, मैंने कहा यार 35 का मतलब कितना होगा, जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाया। फिर मैंने बोला नहीं नहीं यार, समझ भी नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे करके मैं फिर आगे निकल गया सामान। वैसे मेरे को खरीदना कुछ नहीं, सिर्फ देखना ही है। चश्मा मेरे को, हाँ शायद मेरे को नीट थी लेकिन नहीं लिया मैंने कोई। ये चम्मच ये है ना एडोमी के, जो रामियन है ना, उसके जैसा मेरे को लगा। पका नहीं अभी, मैंने लग रहा पानी ज़्यादा ही डाल दिया। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो ये अर्ली चेक इन दे दिया है इन्होंने फर्स्ट। तो टाइम हो रहा है 12:32, उन्होंने 2 बजे बोला था। बैटरी रही है और जैसे ही लिफ्ट के अंदर घुसा बैटरी बंद हो गई। तो ये अपना रूम है भाई, हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो आपको फिर से ये रहा गेट, और जैसे ही मैं अंदर आया ये है रूम और ये है वॉशरूम। छोटा सा रूम है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा रूम मिला है मेरे को। एंड बैटरी इसका डिस्चार्ज हो गया, तो अभी इसको मैं चार्जिंग में डालता हूँ, चार्ज करता हूँ एंड ना धो के सो जाता हूँ फिर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नींद आ रही थी मेरे को वहाँ पे बैठे बैठे। चार्जिंग पॉइंट भी एक ही करके सब चार्ज होना पड़ेगा। बहुत छोटा रूम है यार ये, तो कोई नहीं, 3 दिन ही तो निकाल लेंगे जैसे तैसे करके। शाम को 5-6 बजे समथिंग मैं जाऊँगा, निकलूंगा यहाँ से बाहर घूमने के लिए। बैटरी होगी 100% चार्ज। टाइम हो चुका है 5:25 और अभी मैं बाहर जाने की सोच रहा हूँ। चार्जिंग वाला बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है यार, कैमरा मैंने जब सोया था तब कैमरा डाल के सोया था, फिर फोन ये भी डिस्चार्ज हो गया, टीवी का केबल निकाल के फिर इस फोन को डाला। मतलब इस रूम में सिर्फ एक ही पॉइंट है, फैन भी नहीं है, सस्ता के चक्कर में एकदम छोटा सा मिला अपना, कैसा दिल्ली जैसा हाल है। दिल्ली में कैसे छोटे छोटे बने हुए रूम वैसे ही। फिर भी ठीक है रूम, ऐसा भी इतना भी बुरा नहीं है, रूम अच्छा है। मैं ट्विन टावर जाने की सोच रहा हूँ अभी। हाँ जी, जो यहाँ से है 2.4 किलोमीटर, तो मैं पैदल ही जाने की सोच रहा हूँ। 35 मिनट बता रहे हैं, कोई नहीं अपन कंप्लीट कर लेंगे 35 मिनट। घूमते घूमते जाएंगे ना और मज़ा भी आएगा। आसपास में आप लोगों को सभी को दिखाते हुए जाऊँगा ना क्या क्या है बीच में। तो ये है मलेशिया टावर, मलेशिया सिटी टावर। ठीक है, तो भाग भाग के दौड़ा पूरा क्रॉस करना पड़ रहा है। हाँ जी, तो अपनी एक लेग होने लगी है पेन एंड मैं पहुंच चुका हूँ सिटी व्यू टावर के पास में। 10 मिनट का और रास्ता रहेगा, 10 मिनट का रास्ता रहेगा यहाँ से ट्विन टावर का। जो ट्विन टावर है वो है मैजिक सिटी में।
एक किलोमीटर है, 14 मिनट का रास्ता बता रहा है। हाँ जी, तो फाइनली मैं ट्विन टावर पहुंच गया हूँ। आप लोगों को दिखाता हूँ ट्विन टावर का नज़ारा। वाव, टू हाई, बहुत ज़्यादा ऊपर है। एंड मेरे हालत देखो, पूरे पसीने पसीने होने लग गए, भागते हुए आया। थोड़ा सा उमस है यहाँ पे, वो दिख रहा है, वाव वंडरफुल। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं टाइम स्पेंड करूँगा, नाइट टाइम तक, ऑलमोस्ट 10 बजे तक फिर यहाँ से निकलूंगा मैं। कुछ रील वील बना लेता हूँ, फोटो वोटो खिंचवा लेता हूँ। यहाँ के आसपास की सब बिल्डिंग है, टॉल टॉल है। बहुत बहुत ज़्यादा शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पे कुछ लाइट एंड साउंड कुछ बता रहा था। लाइटें वाइटें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की स्टार्ट होने लगी है एंड यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा ही क्राउड होने लग गया है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ ये लाइट में कैसे दिखता है नाइट में। लोग मेरे पास में आ रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं यहाँ इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से सभी लोगों से मिल चुका हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं इंडिया से, नेपाल से और पाकिस्तान से, तो यहाँ पे वर्क भी करते हैं और कोई टूरिस्ट के हिसाब से भी आए हुए घूमने के लिए। एक ही भाई साहब है। हेलो, आप यूपी से हैं, आपका नाम क्या बताएं? अजमल। अजमल भाई, बहुत बढ़िया। और आप पाकिस्तान से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बास। अब्बास भाई, बढ़िया। और मैं इंडिया से, अभी भी इन दोनों से मिला हूँ मैं। तो हम यहाँ पे लाइट का वेट कर रहे हैं, जैसे लाइट स्टार्ट होती है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। धीरे धीरे तो दिख रही है ना, नीचे नीचे कुछ कुछ स्टार्ट हुई है। ये डार्क होगा वैसे वैसे स्टार्ट होगी। नहीं बहुत ही प्यारी लग रही है बिल्डिंग अभी एंड टाइम हो रहा है 7:53 अभी तक मैं यहीं पे हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ बस यहाँ का हो गया है प्रोग्राम खत्म, तो मैं वापस धीरे धीरे जाने की सोच रहा हूँ। 30 मिनट्स मेरे को यहाँ से जाने में लग जाएंगे एंड बिल्डिंग सच में बहुत प्यारी लग रही है यहाँ से देखो। ये चार लाइटें बस एकदम फोकस नहीं कर रहा ताकि बहुत बहुत एकदम चमक रही है डायमंड जैसे एंड उसके आसपास में जो भी जितने भी बिल्डिंग है ना सब बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी। ये बैंक है, पब्लिक बैंक, और ये होटल है। ये वर्ल्ड की सबसे पहले जो वर्ल्ड की नंबर 1 हाईएस्ट बिल्डिंग थी, अब सेकंड नंबर हो गई। अभी कोई दूसरी बिल्डिंग है। ये गोप्रो तो नाइट में काम का ही नहीं यार, कि वो कैसे नहीं कर पाता फेस के ऊपर। बहुत अच्छा माहौल है, आसपास में सब टूरिस्ट बसें खड़ी है। तो जो बैंक की लाइटिंग वाइटिंग है वो भी बहुत शानदार लगती है एंड वो जो है सिटी व्यू टावर बना हुआ है, कैसे नहीं दिख रहा होगा ये वाला। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, मौसम तो फिर भी ठीक ठीक लग रहा है, उमस नहीं इतनी। हाँ जी, तो मैंने लगा दिया है गूगल मैप, ये दिख रहा है ये मेरे पीछे, ये है ट्विन टावर। दूसरा वाला जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के आगे पीछे आ गए तो दिखाई नहीं दे रहा है। 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैं यहाँ से पैदल पैदल चला जाऊँगा। मेरे को यार कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसे खा के काम चला लूँगा। टीवी का केबल निकाल के